स्वागत है आपका एबीपी गंगा, देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। जिस प्रयागराज में अपनी हनक और दबंगई के बल पर बाहुबली अतीक अहमद ने करोड़ों की जो अवैध संपत्ति खड़ी की थी, उस पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है और अब अतीक अहमद के साथ उसके गुर्गों की संपत्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज होती जा रही है। इस कड़ी में आज प्रयागराज में अतीक अहमद के एक गुर्गे की कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया गया है। कुख्यात गैंगस्टर और बाहुबली अतीक अहमद के बाद अब पुलिस प्रशासन ने उसके गुर्गों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में आज प्रयागराज पुलिस ने शहर के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस में मौजूद मैक टावर नाम की इमारत को सील कर दी। माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद पर सरकारी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अतीक अहमद के बाद अब उसके करीबियों के खिलाफ भी कार्रवाई होने लगी है। इसी कड़ी में आज प्रयागराज में विकास प्राधिकरण ने अतीक अहमद के बेहद करीबी मोहम्मद अब्बास की एक बिल्डिंग को, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सील किया है। ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शहर के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस में सरदार पटेल मार्ग पर है। मैक टावर के नाम से ये पूरी बिल्डिंग है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो सील कर दिया गया है। अतीक के करीबी मोहम्मद अब्बास खान ने अपने नाम पर ही इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मैक टावर नाम दिया था, लेकिन अतीक के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई में अब उसके गुर्गों की खड़ी की गई अवैध संपत्तियां भी आ चुकी हैं। मोहम्मद अब्बास पर आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर बिल्डिंग के तीसरे तल का निर्माण कराया गया था। ये श्री मोहम्मद अब्बास खान की प्रॉपर्टी है, इसमें सैंक्शन मैप से सीरियस डिविएशन, इसका टॉप फ्लोर जो है वो इलीगल है। इस टॉप फ्लोर को ADA ने 2007 में डिमोलिश भी किया था, बाद में इन्होंने चोरी छिपे इसको रिकंस्ट्रक्ट कर लिया, दोबारा बना लिया। इस कार्रवाई की वजह से अब उन लोगों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है जिन्होंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें और शोरूम खोल रखे थे। सर, मेरी शॉप नंबर 2 है और मेरा कंप्यूटर लैपटॉप का रिपेयरिंग का सेंटर है। मैं लोग लैपटॉप का छोटा मोटा कारोबार करते हैं, हम लोग का घर परिवार चलता है। ऐसे भी कोरोना की वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं, नौकरी हमारी चली गई है, कम इतने कस्टमर से लैपटॉप वगैरह वहाँ पड़े हैं, अब इसको कौन झेलेगा अभी बताइए। अभी कस्टमर अगर सर फोड़ेंगे हम पे कि हमारा लैपटॉप दो, हमारे जेब में पैसे नहीं है, हम कहाँ दे देंगे। बिल्डिंग के किराएदारों को दुकानें खाली करने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका था। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से अतीक के गुर्गों में खलबली मच गई है। इससे पहले भी प्रशासन अतीक अहमद के दफ्तर समेत अवैध तरीके से खड़ी की गई संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई कर चुकी है। प्रयागराज से ABP गंगा के लिए मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। प्रयागराज में आज जिला प्रशासन ने सिर्फ अतीक अहमद के गुर्गे ही नहीं बल्कि अतीक अहमद के भी एक कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर चलाया है। प्रयागराज के अंदावा इलाके में बना यह कोल्ड स्टोरेज अतीक का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे 4 बीघे जमीन पर कब्जा करके बिना नक्शा पास करवाए ही बना दिया गया था। 10 दिन पहले इस कोल्ड स्टोरेज को गिराने का आदेश जारी हुआ और आज मौके पर पहुंची बुलडोजर और JCB मशीनों ने पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया। तो 4 बीघे जमीन पर कब्जा करके बिना नक्शा पास कराए हुए ये कोल्ड स्टोरेज बनाया था अतीक अहमद ने, जिस पर चला है आज प्रशासन का बुलडोजर। और बताया जाता है कि अतीक अहमद का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसे आज प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। पूरी तरह से अवैध संपत्ति, एक एक करके गाज गिर रही है उन संपत्तियों पर जिसे अवैध रूप से खड़ा किया था अतीक अहमद ने। करोड़ों का कारोबार उसने जमा रखा था अलग अलग जगह प्रॉपर्टीज बना के, उन्हीं में से एक है ये कोल्ड स्टोरेज, जिसे आज प्रशासन ने जमींदोज किया है। 4 बीघा जमीन बिना नक्शे के ये पूरा कोल्ड स्टोरेज यहां बना हुआ था, ड्रीम प्रोजेक्ट अतीक अहमद का, जिसे तोड़ दिया है प्रशासन के बुलडोजर। उधर मऊ में प्रशासन ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजेश सिंह उर्फ राजन सिंह की संपत्ति जब्त कर ली है। आज CO सिटी की अगुवाई में पहुंची प्रशासन की टीम ने खरगेजपुर में राजन सिंह करीब 35 लाख की कीमत के कई जमीनों को जब्त किया है। राजेश सिंह उर्फ राजन सिंह अपने भाई उमेश सिंह के साथ मिलकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता है और इसी के जरिए पिछले 20 साल से मुख्तार अंसारी के गैंग की वो आर्थिक मदद भी करता रहा है। राजन पर आज 8 मामले दर्ज हैं, जिनमें 2010 में मन्ना सिंह हत्याकांड के गवाह और उनकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों की हत्या का मामला भी शामिल है।
पिछले दो दशकों के दौरान राजन सिंह और उसके भाई उमेश मुख्तार गैंग के आर्थिक मददगार के तौर पर सक्रिय थे और इसी का फायदा उठाकर इंदारा कोपागंज में राजन ने कोल डिपो बनाकर कोयला माफिया के तौर पर अपनी एक पहचान बना ली थी। मुख्तार एवं उनके सहयोगी के तहत कार्रवाई के अंतर्गत आज राजेश और राजन दोनों ब्राह्मण की जमीन की पुष्टि की गई है। ये जमीन खरगेशपुर में है, ये चौकी पिपड़ी थाना सरा लखनपुर लेकर आता है। आजमगढ़ में आज पुलिस से हुई मुठभेड़ में दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम को असलहा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज सूचना मिली थी कि दो हथियार तस्कर असलहों के साथ जा रहे हैं, जिसके बाद चेकिंग अभियान चलाकर पुलिस ने बाइक सवार दो बदमाशों को रोका, लेकिन दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से दोनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के पास से पिस्टल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। इनके पास से चोरी मोटरसाइकिल बरामद हुई है, असला बरामद हुआ। अब इन पे आगे जो गैंगस्टर की कार्रवाई है वो भी इनके ऊपर की जाएगी और इनकी प्रॉपर्टी जो इनके द्वारा अर्जित की गई है इस क्राइम से उसे पूर्ण किया जाएगा। उन्नाव से खबर है, यहां ग्राम प्रधान की खुली गुंडाई का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें प्रधान एक महिला अधिकारी को खुली बैठक में धमकी देते हुए साफ दिख रहा है। प्रधान ने सप्लाई इंस्पेक्टर को धमकी देते हुए कहा कि कायदे से काम करें, नहीं तो 24 घंटे में हटवा दूंगा, साक्षी महाराज का आदमी हूं। ये बातें कही गई हैं। आपको बता दें, कल हसनगंज ब्लॉक में बीडीओ और प्रधानों को लेकर खुली बैठक हो रही थी, जिसमें ग्राम प्रधान रघुनाथ लोधी को साफ तौर पर महिला अधिकारी को हटाने और धमकी देते हुए देखा और सुना जा सकता है। वहीं पीड़ित अधिकारी ने बताया कि प्रधान राशन कार्ड बनवाने के लिए कह रहे थे और शासन के आदेश के मुताबिक बिना आय प्रमाण पत्र के राशन कार्ड नहीं बनाया जा सकता। इसको लेकर प्रशासन जो वहां प्रधान थे वो उग्र हो गए और एडीएम राकेश कुमार सिंह ने अब जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। इसमें ये है कि आय प्रमाण पत्र के बिना नए शासनादेश के अनुसार आय प्रमाण पत्र के बिना नए राशन कार्ड नहीं बनाए जा सकते हैं, परंतु उनका कहना है कि नहीं, आप बिना आय प्रमाण पत्र के बनाइए, तो इसी को लेकर के वो बहुत ज्यादा उग्र हो गए। संभल के एक प्रेमी युगल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवती अपने ही परिवार वालों से जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा मांग रही है। प्रेमी युगल का वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस भी सक्रिय है और पुलिस के मुताबिक प्रेमी जोड़े के खिलाफ युवती के परिवार वालों ने मुकदमा दर्ज कराया है। भैजी से निवेदन है कि इस मुकदमे को खारिज करें और हमारी जान को खतरा है, और अगर इसके अगर हम लोगों को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार मेरे ताऊजी मास्टर वेद प्रकाश छात्र और मेरा भाई चंद्रमणि सारस्वत होंगे। ये जो वादी हैं, लड़का और लड़की, ये दोनों चीफ जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं उनके समक्ष उपस्थित होकर के 164 का अपना बयान कराएं। उसके लिए जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं चंदौसी, उन्होंने 18 तारीख को एक डेट दी है जिसमें 164 का लड़के और लड़की का बयान कराया जाएगा। जैसा उच्चतम न्यायालय और सीजीएम का जैसा निर्देश होगा उस क्रम में इसमें विधि कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र की स्वात और एसओजी ने संयुक्त तौर पर छापेमारी कर 400 ग्राम हेरोइन पकड़ी है और बरामद हेरोइन की कीमत करीब 40 लाख आंकी जा रही है। पुलिस ने बीते कुछ दिनों से लगातार मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना हासिल की और मुखबिर की सूचना पर अब ये हेरोइन पुलिस ने बरामद की है। थाना घोरावल में एसओजी, स्वाट और सर्विलांस की टीम ने थाना घोरावल की पुलिस के साथ मिल करके कल दोपहर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 400 ग्राम हेरोइन बरामद करी है। ये व्यक्ति जो है सौरभ कुमार सिंह, ये मूल रूप से छपरा बिहार का रहने वाला है और हाल पता इसका यहाँ डाला सोनभद्र का। ये बाराबंकी से ये हेरोइन खरीद करके लेकर के आ रहा था। और अब खबर प्रयागराज से, जहां पुलिस ने प्रतियोगी छात्रों पर लाठी चार्ज कर दिया है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, दोनों पक्षों में तीखी झड़प की खबर है। पूरा वाकया बालसन चौराहे का है। दरअसल सरकारी नौकरियों में जो 5 साल संविदा पर रखे जाने की जो बात उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चल रही है, छात्र उसी का विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर यहां पर 500 से ज्यादा छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने लाठी चार्ज करके सबको तितर बितर कर दिया। Thank you.